महाराज का शीश नहीं लाए और कह रहे हो कि लड़ते हो हमारा सैनिक मारा गया। और दूसरा बुद्ध का भिक्षुक बनने के लिए उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। मैं तो अनपढ़ हूं मुनिवर, आज आपके सामने जीवित हूं तो ये आप ही का दिया हुआ जीवन दान है। क्या आप पहले कभी बुद्ध से मिले हैं? महाराज बिंबिसार को मैंने धन की लालच में मारना चाहा, मैं पकड़ा गया। महाराज के हाथों मेरा वध होता पर उनकी उठी हुई तलवार गिर गई। उन्होंने कहा कि वो उनके गुरु बुद्ध के वचनों की वजह से मुझे जीवित छोड़ रहे हैं। मुझे आपकी शरण में आना है प्रभु, आपके शरण में ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। मुझे इस ग्लानी से मुक्ति दिला दो, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझ नीच को क्षमा कर दीजिए प्रभु। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये विचार उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण स्वयं तुमने अपने मुक्ति के मार्ग पर पहला पग रख दिया था। आपने मुझे बुलाया, आज हमारा पुत्र हमसे आंखें चुरा रहा है। इस घिनौने षडयंत्र के पीछे तुम हो ये कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पश्चात मगध का सिंहासन तुम्हारा ही तो है, फिर इतने अधीर क्यों? मैं स्वयं तुम्हें मगध का राजा घोषित करता। आपका क्या भरोसा? कल मेरे विरुद्ध किसी और को खड़ा कर दिया तो मैं तुम्हारे विरुद्ध किसे खड़ा करता? अपने उस पुत्र को जो आपको उस कणिका आम्रपाली से अजात शत्रु। मेरे मुंह से उसका नाम सुन तिलमिलाहट होने लगी, परंतु मेरी तिलमिलाहट का क्या? वो आम्रपाली कम थी जो अब ये बुद्ध भी आपके जीवन में आ गया। आपने उसको पदांत देने के लिए अपने निष्ठावान ब्राह्मणों को उपेक्षित किया। अन्याय आपके स्वभाव में ही है पुत्र, समय रहते संभल जाओ, अन्यथा इसे गहरी खाई में गिरोगे कि निकलना संभव हो जाएगा। जो तुम्हारी भलाई सोचते हैं उनमें तुम केवल बुराई देखते हो, पर ये बुराई तुम्हारे अपने मन का खेल है। देश देना शुरू पड़ गया ना उस बुद्ध की संगति का आप पर प्रभाव, लेकिन मैं आपके उस बुद्ध की तरह नहीं हूं कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा किसी और के हाथ में सौंप कर सन्यासी बन जाऊं। मैं अजात शत्रु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, मैं मगध की सुरक्षा का भार उठाऊंगा, मेरे राज्य में मगध का ध्वज पूरे जम्बू द्वीप में फहराया जाएगा। मगध की प्रजा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, पूरे जम्बू द्वीप ने हमारे राष्ट्र का लोहा माना है, तो फिर व्यर्थ में रक्तपात क्यों? आप क्षत्रिय हैं, रक्तपात से कब से डरने लगे? तो ये भी उस पाखंडी बुद्ध की शिक्षा तो नहीं? अजात शत्रु,
तुमसे बात करना भी व्यर्थ है। यदि चाहता तो मेरे ऊपर हुए आक्रमण के लिए तुम्हें दंडित कर सकता था, किंतु मैं पिता हूं तुम्हारा, तुम मुझे मारने का विचार कर सकते हो, किंतु मैं नहीं। एक पिता के लिए इससे अधिक पीड़ा की बात क्या होगी कि उसका अपना रक्त उसका शत्रु है। मेरी आयु अब वानप्रस्थ की ओर जाने की हो चुकी है। मैं स्वयं इस राजपाट को छोड़ना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष मुझे उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि इस पूरे विश्व में मुझे किसी से घृणा है तो वो आप हैं। तो तुम भी सुन लो, जब तक तुम सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो जाते, मैं स्वयं तुम्हें मगध के सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। अपने पिता के छाती पे पांव रख तुम कौन सी ऊंचाई छूना चाहते हो पुत्र? पिता और पुत्र का ये नाता होता? आप दोनों कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करें और समाचार दें कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ आ रहा हूं। अब कपिलवस्तु के घर घर में दीप जलाए जाएंगे। आमात्य, आप किन विचारों में खो गए? मैं तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। इतने शांत और सुगम जैसे आकाश में स्वतंत्र मंडराते बादल। चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र, ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता, आपका भिक्षु बनना चाहता। आप मुझे कपिल वस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूं, मैं तो सारथी पुत्र हूं। नहीं चन्ना, मेरे परम सत्य के मार्ग में ना वर्ण भेद है ना जाति भेद। इन सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम ज्ञान से कोई नाता नहीं। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी भिक्षु ना बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिलवस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को भुलाकर मेरे दुख को संभाला, मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी, राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में
उन्हें छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं, कपिलवस्तु में भेंट होगी। व्यक्ति भिक्षुक बनते हैं, कभी तुमने अंतर्मन के भिक्षु को देखा है? वो देखो, वो जा रहा। परम भिक्षु मदरास लीला रंग भवन ये क्या पागल बने यशो? सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की सूचना मैंने तुम्हें दी थी और तुम उसी का अनुसरण करने लगी। मैं कृपा मानती हूं तुम्हारी, जो तुमने मुझसे उनके बारे में सत्य कहा। जो रहा सहा मोह था मेरे सौंदर्य को लेकर, अब वो भी समाप्त हो गया। तुम पे तो गेरुआ भी बहुत सचता है यशो, पर जीवन के रंगों से आंखें न मोड़ो, नहीं तो ये रंग लुप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में महादेवी बनना लिखा है यशो। मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि सिद्धार्थ तो शाक्यों का महाराजा बनने से रहा, पर देवदत्त, देवदत्त अवश्य बनेगा। वही देवदत्त जो दिन रात तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलता है। यशो, आयु बढ़ गई पर राजा रानी के खेल से मन नहीं भरा अभी तक तुम्हारा, और इतने का भी नहीं। मैं तब भी अड़िगी रहूंगी, बस केवल कपिलवस्तु के भविष्य पर रोना आएगा, जिसे तुम जैसा अयोग्य राजा मिलेगा। हाँ, सारी योग्यता तो तुम्हारे सिद्धार्थ में भरी है ना, सर्वगुण संपन्न। मत जलाओ अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, मत करो अपनी तुलना उनसे। ऐसा क्या है तेरे सिद्धार्थ में जो मुझमें नहीं है? जब हाथी नगरी में चलता है तो श्वान केवल भौंक ही सकते हैं। हाथी? तेरे इस हाथी की तुम मैं सुनो 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 सभी सुनो सुनो, अमाती और चन्ना आ गए, अमाती और चन्ना आ गए। क्या समाचार लाए हो? कुछ तो बताओ, कैसे हो? अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, क्या सांसें नहीं लेने दोगे? आपका धन्यवाद। अब हम सबको धन्य करो, हम सबको ये बताओ कि हमारे भाग्य जागेंगे कि नहीं? बताओ। जागेंगे, अवश्य जागेंगे। हमारे युवराज सिद्धार्थ शीघ्र ही कपिलवस्तु आ रहे हैं। हे प्रभु। कपिलवस्तु की प्रजा में इतना उत्साह क्यों? परंतु कारण क्या है इस हर्षोल्लास का? दादा महाराज, दादा महाराज, मैंने देखा चन्ना काका के साथ सारी भीड़ राजमहल के द्वार की ओर आ रही है। ये कपिलवस्तु के लोग
बावले क्यों हो रहा है? महादेवी, 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 हमारे युवराज सिद्धार्थ लौट रहे हैं। महाराज, अमात्या हमें बता दो कि जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। हम आपको निराश नहीं करेंगे महाराज। युवराज सिद्धार्थ कपिलवस्तु आ रहे हैं। पूरे महल को सजाओ, सिद्धार्थ के कक्ष को नए रंग से पुतवाओ, नए कलाकार बुलवाओ, उसके कक्ष में नए चित्र बनाओ। क्षमा महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं, शाक्य मुनि बुद्ध लौट रहे हैं। वो राजमहल में नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ अपने घर में नहीं रहेगा। सोने चांदी की जहां चमक हो, छल कपट का जहां निरंतर कारोबार हो, जहां हिंसक प्रवृत्ति बलवान हो, वहां बुद्ध का स्थान नहीं। करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वो अपने भिक्षु गण के साथ वन में प्रवास करें। भाई महाराज, कृष्ण की प्रतीक्षा हम सब ने की, इसे यूं व्यथा में न गवाएं। चन्ना काका, क्या आपने मेरा खिलौना पिताजी को दे दिया? हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक थे और पूछ रहे थे कि हमारे राहुल का हृदय कैसा है। अनुज, द्रोणोधन, संपूर्ण कपिल वस्तु को सजाया जाए। वस्तु के सारे मार्ग फूलों से सजाया जाए। मुख्य द्वार पर अशोक के तोरण बांधे जाए। नगर चौक पर रंगोलियां बनाए जाए। हर द्वार दीपों के माला से सुसज्जित किया जाए। सिद्धार्थ के आने के हर मार्ग पर उसे सुविधाएं हो। मार्गों से कंकर पत्थर दूर करो और मार्ग पर पानी का छिड़काव हो। सिद्धार्थ को ठहरने के लिए निग्रोधा वन में कुटिया बनाई जाए। उनके अनुयायियों के लिए भी कुटिया निर्माण हो। आम नागरिक सिद्धार्थ के आने पर कैसे प्रसन्न है? बड़े बुरे संकेत हैं। 7 वर्षों के पश्चात भी सिद्धार्थ इन लोगों के हृदय में वैसे का वैसा बसा हुआ है। यदि देवदत्त शाक्यों के सिंहासन पे बैठ भी गया तो लोग उसका साथ ना देंगे। ये आप लोग हर समय मुंह लटकाए क्यों बैठे रहते हैं? हम इसलिए ऐसे बैठे हैं क्योंकि अपने दुर्दिन के आने की आहट सुन रहे हैं। सिद्धार्थ अपने अनुयायियों के संग आज रात्रि निग्रोध वन में पहुंचने वाला है। कल प्रातः ही वो कपिलवस्तु में प्रवेश करेगा। परंतु आर्य, सिद्धार्थ जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। देवदत्त, जब तक सिद्धार्थ यहां है कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद खड़ा मत करना। कोई कांड या उपद्रव भी मत करना। जो निश्चय मैंने किया है मैं उस पर अडिग रहूंगा। अब कौन सी मूर्खता का निश्चय किया तुमने? सिद्धार्थ कपिलवस्तु अवश्य जीवित आया है किंतु जीवित लौटने का नहीं है। सिद्धार्थ मरेगा, मरेगा सिद्धार्थ,
और उसके साथ मरेगी महाराज शुद्धोधन की आशा और यशोधरा का विश्वास, और उसके बाद फिर महाराज शुद्धोधन मुझे शाक्यों के सिंहासन पर बैठाएंगे। परंतु देखते और यशोधरा मुझे अपना वर चुनेगी, यशोधरा मुझे अपना वर चुनेगी। जब तक शाक्यों के सिंहासन पे बैठने के लिए छल कपट की बात थी तब तक सब कुछ सही था, परंतु ये यदि इसने यशोधरा के साथ कुछ किया तो देवदत्त के पास भागने के लिए भी धरती कंप पड़ जाएगी। अरे सुनो 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 सब गांव वालों सुनो सुनो, शाक्य मुनि बुद्ध अपने गांव में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज युवराज सिद्धार्थ के चरण कपिलवस्तु में पड़ चुके हैं और उनके साथ उनके भिक्षु भी हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की शीघ्र चलो चन्ना चलो। शाक्य मुनि बुद्ध की या भगवती भिक्षाम देहि चन्ना। सिद्धार्थ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो रहे गेरू वस्त्र में भी जो सबसे भिन्न दिखाई दे रहे। धन्य भाग इस बुढ़िया के जो आप शाक्य मुनि बुद्ध इस गरीब के झोपड़े पधारे, परंतु आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ ना है। मेरे भोजन के लिए इतना पर्याप्त है माँ। सिद्धार्थ
मेरे पुत्र। कैसे हो मेरे पुत्र? प्रणाम पिताश्री। राजमहल की ओर प्रस्थान करें। हाँ हाँ चना शीघ्र चलो पुत्र। मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं अपने भिक्षुओं के साथ पैदल ही आऊंगा। आओ पुत्र। कपिल वस्तु आने के पश्चात हमें लगा कि तुम सर्वप्रथम महल में आओगे, हमसे मिलोगे। तुम्हारी मां ने उत्साह में न जाने कितने व्यंजन बनाए तुम्हारे लिए। परंतु जो हमने देखा उसकी कल्पना नहीं थी कि कपिल वस्तु का युवराज एक दरिद्री के झोपड़े में भिक्षा मांगते हुए हमें दिखाई दे। पिताजी, अब मैं युवराज नहीं, भिक्षु, और अब मैं अकेला भी नहीं। मेरे साथ मेरे भिक्षुओं का समुदाय भी आया है और मुझे भी हर भिक्षु की तरह अपने लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। परंतु शाक्य कुल की ये रीत नहीं। शाक्य कुल की रीत ना हो, पर ये भिक्षुओं की रीत सदैव ही रही है। भिक्षा मांगना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे समुदाय को नम्रता और संभाव देता है। भिक्षु धनी और निर्धन के पक्षपात से ऊपर है। मेरे मार्ग में सभी समान है, चाहे वो दीन हो या धनी, क्योंकि उन सभी में परम सत्य का द्वार खोलने का सामर्थ्य है जिससे उनका ज्ञानोदय हो, उन्हें मुक्ति मिले। भिक्षा मांगने से हमारी गरिमा नहीं घटती, अपितु जो भिक्षा देता है उसका सामर्थ्य और मनोबल बढ़ता है। ये उसके लिए एक स्मरण साधन मात्र है कि केवल मुझ में नहीं अपितु हर मनुष्य में वो गरिमा विद्यमान है। परंतु लोग तो उसे भिक्षा ही मानते हैं पुत्र। दोनों में बड़ा अंतर है। जो भीख मांगते हैं वो कार्य से जी चुराते हैं। अर्थात तुम भिक्षु लोग समग्र शक्ति इकट्ठा कर जन जन के लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हो। जी पिताजी, भिक्षा मांगने से अहंकार का जो भाव हमारे अंतर में गांठ बांधे बैठा है वो टूट जाता है। भिक्षा देना भी उनके लिए उनके बुरे कृत्यों को समाप्त करने का एक मार्ग है। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पिताश्री, मैं इस क्षण आपके समक्ष खड़ा हूं, आप बीती बातों में कहां खो गए? असित मुनि के भविष्यवाणी का स्मरण हो गया। काल चक्र को भेद असित मुनि ने जो भविष्यवाणी देखी वो देखने में मैं असमर्थ था। या मैं जानबूझ के देखना नहीं चाहता था, परंतु यह अद्भुत घटना होकर ही रही। तुम सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। युवराज सिद्धार्थ आ गए हैं। क्या? तू जा और महादेवी प्रजापति को सूचना दे। जी। मंगला दीदी,
दीदी क्या बात है विभा? शुभदिन आ गया दीदी। कौन सा शुभदिन? हमारे सिद्धार्थ आ गए। आप जल्दी आइए। हाँ जल्दी आइए। महादेवी रोशिका महादेवी दुख के दिन बीत गए हैं। हमारे युवराज सिद्धार्थ महाराज के साथ वापस आ रहे हैं। विभा विभा सुना तूने सिद्धार्थ वापस आ रहा है। विभा ये आरती की थाली अच्छे से सजा। जी महादेवी। अच्छा सुन इसमें लाल फूल जरूर डालना। हाँ महादेवी। अरे आप तुम दोनों अब तक यही खड़े हो जाओ जाके सुसज्जित हो। सिद्धार्थ आ रहा है। दीदी हम तो प्रातः से ही सज धज के बैठे हैं पर आप हमें कहाँ देख रही हैं? आपकी आंखें तो अपने पुत्र को देखने के लिए उतावली हो रही हैं। हाँ विभा यशो यशो कहाँ है? यशो कहाँ है तू? यशो यशो तेरा तब सार्थक हो सूचना मिली है कि सिद्धार्थ अपने पिता के साथ महल की ओर आ रहा है। यशो मैं चाहती हूँ कि जब सिद्धार्थ आए तो उसका स्वागत सबसे पहले तू करे उसकी पहली आरती तू ही उतारे। चल मेरे साथ। यशो क्या हुआ तेरे पांव क्यों रुक गए? नहीं मां मैं नहीं आऊंगी। यदि वो पूछे तो उनसे कहिएगा कि वो मुझसे मिलने यहां आए। यशोधरा इतना अभिमान ये अच्छी बात नहीं है। कोई और बात है क्या तेरे मन में? यशु मेरे सिद्धार्थ को क्षमा कर दे मत रूठ उससे। महादेवी जल्दी कीजिए युवराज सिद्धार्थ महल के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। यदि आप यही खड़ी रहीं और उन्होंने आपको अपने सामने ना पाए तो चलिए चलिए दीदी यदि यशोधरा की यही इच्छा है तो सिद्धार्थ उससे यही आके मिल लेगा। महादेवी जल्दी कीजिए यदि हम यहीं पे खड़े रह गए तो पता चला कि सिद्धार्थ स्वयं यहीं पर आ गया। शाक्य मुनि बुद्ध की तुम्हारे माँ के आनंद की सीमा देख नंगे पैर दौड़ आई। सिद्धार्थ के समक्ष आते ही तुम्हारे पैर क्यों रुक गए? ये मेरा ही पुत्र है। हाँ प्रजापति पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह धरती और गगन को चमकाने वाला यही तुम्हारा पुत्र है।
तो लगा आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। ये कैसे हो सकता है लौशिका, रेडी हूं मैं तुम्हारा। महादेवी युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। चाक्य मुनि बुद्ध की, चाक्य मुनि बुद्ध की, चाक्य मुनि बुद्ध की, चाक्य मुनि बुद्ध की, चाक्य मुनि बुद्ध की। पिता बुला सकता हूँ? अवश्य पुत्र। आप मुझे भूल तो नहीं गए? मैं अपने पुत्र राहुल को कैसे भूल जाता? नंद कहाँ है माँ? नंद आता ही होगा, तुम्हारे आने की सूचना भिजवाई। और यशोधरा? वो अपने कक्ष में, वो नहीं आएगी। जानता हूं मैं, मुझे ही उसके पास जाना होगा। उसकी पीड़ा और व्यथा का कारण केवल मैं ही।
आंखें खोलो यशु, जहां मैं तुम्हें छोड़ कर गया था वहीं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण करने आए, आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण तुमने स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पग धर दिया।